अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये लाख झूठ क्यों ना बोले, लेकिन इसकी सच्चाई हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता कि ये विधि है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये इसकी तस्वीर हमारे साथ। अब तो विश्वास हुआ? ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। ये ट्विन है क्या? ड्रेसिंग सेंस थोड़ा खराब है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि आप लोग कंफ्यूज क्यों। चुप। तुम तो झूठ बहुत आसानी से बोल रही, लेकिन तस्वीर तो झूठ बोल नहीं सकती। शक्ल तो बिल्कुल एक जैसी है। मैडम, आपके पास कोई कागजात है जिससे ये साबित हो जाए कि आप ही सिया रघुवंशी हैं? एक सेकंड, अभी लाइए। कागजात के हिसाब से तो ये सिया रघुवंशी ही है। नकली कागजात तो कोई भी बना सकता है। इसके फिंगरप्रिंट चेक कर। चलिए ये भी करके देख लेते हैं। अपनी उंगली रखो यहां पे। ये लो, अब तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स विधि से मैच नहीं करेंगे। ये आखिरी दांव सिया की पहचान को और पुख्ता कर देगा। अबीर चाहकर भी ये साबित नहीं कर पाएगा कि तुम ही विधि हो। फिंगरप्रिंट से तो यही पता चलता है कि ये सिया रघुवंशी ही है, और ये सारे कागजात असली भी हैं। मिस्टर अबीर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये विधि नहीं है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। मैं कब से लोगों को यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन होपफुली अभी आपकी बात सुनकर मान जाएंगे कि हम इनकी कोई विधि नहीं है। इस पागल की जिद सुनकर आपने यहाँ आकर अपना बहुत वक्त जाया किया है। I'm sure आपको बहुत जरूरी काम होंगे। थैंक यू सो मच। ओके। अब भरोसा हो गया ना कि मैं सिया हूं, या अब भी कुछ बाकी है, कोई डाउट बाकी है? खड़े क्यों, किसी चीज का वेट कर रहे हो? गेट आउट, निकलो मेरे घर से। हमें अपनी बात को साबित करने के लिए कोई कागजात या फिंगरप्रिंट्स की जरूरत नहीं। हम अभी के अभी तुम्हारा सच सबके सामने ला सकते हैं। विधि की बॉडी पे एक जगह पे दिल, तो सिया की बॉडी पे सेम उसी जगह पे दिल होना तो इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सही कहा बनाब ने। अबीर बनाब विधि के पति थे, तो इनको तो सब कुछ पता होगा ना। आइए चेक कर लेते हैं। सुनो, लेकिन एक बात ना आप लोग को बताना भूल गए हो कि थप्पड़ मारने में चैंपियन है, और अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करता है ना, तो मेरे अंदर का चैंपियन जाग उठता है।
थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? थप्पड़ क्यों मारा? अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी पीठ पर एक तिल है। मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। झूठ बोलने की कोशिश मत करो विधि। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारी पीठ पे एक तिल है। जब हमने वो तिल देखा था आज तक वो हम पल कभी भूल नहीं पाए। बोलो, हम पूछ रहे, बताओ सच क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब है? Are you mad? जाने तो मुझे, leave me. जस्ट 2 सेकंड और। लो, लेजर बाबा ने मिटा दिया तुम्हारा तिल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आई विल शो यू। तुम्हें और कुछ इज्जत करना नहीं आता, कैसे मारते हो तुम? बोलो। विधि प्रूफ करने के सारे हथकंडे फेल हो गए ना? बोलो, मुझे इतना कमजोर समझने की गलती मत करना। मानहानि के केस में तुम्हें अंदर डालूंगी ना, एक एक फूटी कौड़ी के मोहताज हो जाओगे तुम लोग सब। सॉरी, I'm so sorry, मैं तो भूल ही गई, फूटी कौड़ी तो तुम लोग के पास है ही नहीं। लेकिन ये मत समझना कि रहम खा के तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ दूंगी। सबकी हरकतें देखकर ना हम ये डील कैंसिल करने वाले थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम उस घर में आएंगे, तुम्हें तिल तिल कर ऐसा तड़पाएंगे ना कि सारी जिंदगी याद रखोगे तुम।